नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों ऑलरेडी हमने क्लास ट्वेल्थ का अकाउंट चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब, जिसे हम बच्चों दूसरे नाम से जानते हैं वित्तीय पत्रक, और बच्चों इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके पहले वो सारी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि बच्चों बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ और बच्चों मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि अगर तुमने मेरा एक वीडियो भी देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करवाना है और आप लोगों की एग्ज़ाम भी तो आ रही है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, और एक चीज़ और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितने लोगों को बड़ा मेरा पढ़ाने वाला तरीका अच्छा लगता है। अगर कोई कमी हो तो भी बच्चों मुझे ज़रूर बताना, जिससे मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूं और वापस से उस पर काम करूं, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग मेरी गलतियों को बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी गलती क्या है, ठीक है? तो ये आशा करता हूं बच्चों, ये सब कमेंट, ये सब फीडबैक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, आज का क्वेश्चन लेने वाला हूं बच्चों मैं, चलिए आज मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं यहां पर स्वाध्याय का 10वां क्वेश्चन, स्वाध्याय का 10वां क्वेश्चन लेने वाला बच्चों, जिसका नाम क्या है यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, स्वाध्याय का 10वां क्वेश्चन में लेने वाला हूँ, उसका नाम है लौ और कुश। लौ और कुश ये भी बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा IMP हैं और फर्स्ट एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं, ठीक है? क्या नाम है बच्चों? लौ और कुश एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं, वे 60% लाभ, ध्यान से सुनना बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वे 60% लाभ 3:2 में अनुपात में बाकी बचे हुए लाभ 2:1 में क्या करना है, उन्हें बांटना है। तो पीढ़ी की तारीख 31/3/2017 के रोज सकल तलपट और समायोजन पर से लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का चालू खाता और पक्की तलपट तैयार करना है। बच्चों उसने पहले से आपको मेंशन कर दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करना है, तो आपको सिर्फ 3 ही खाता बनाना है। कौन कौन सा खाता उसने पहले ही आपको बता दिया, क्या दिया है, लाभ हानि वितरण खाता पहला खाता, दूसरा साझेदारों के चालू खाता एंड तीसरा पक्की तलपट, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 ही खाता आपको रेडी करना रहेगा, क्लियर? तो आई होप अब आपको ये 3 खाता कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। पहला खाता बनाना बच्चों लाभ हानि वितरण खाता, पहला क्या बनाओगे लाभ हानि वितरण खाता, और दूसरा खाता बनाओगे बच्चों साझेदारी की चालू खाता, ठीक है? एंड तीसरा खाता बनाओगे बच्चों आर्थिक चिट्ठा, मतलब की पक्की तलपट, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से बच्चों आपको 3 खाता रेडी करना रहेगा, उसने किताब में पहले से ही मेंशन कर दिया कि भाई हमको सिर्फ 3 ही खाता बनाना है, और अगर ना बोले हो तो क्या करने का, पूरा पूरा 5 के 5 खाता बना देने का बच्चों, ठीक है? अब मैं आपको सिखाऊंगा कि चालू खाता कब बनाना है और साझेदार का पूंजी खाता कब बनाना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, देखो बच्चों जिस सवाल के अंदर बच्चों चालू खाता लिखा हो ना बड़ा, समझ जाना उसमें चालू खाता कंपलसरी बनाना पड़ेगा, लेकिन जिसमें चालू खाता नहीं दिया है उसमें आपको क्या बनाना होगा, पूंजी खाता। अब बताओ बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब बता दो बच्चों, ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, सकल तलपट कहते हैं, और बच्चों नीचे जो दिया गया है नीचे इसको हम क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों हमारा यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा, नंबर 1 पहला स्टेप ये होगा बच्चों
कि लव और कुश ने साझेदारी पीढ़ी के 31/3/2016 के 17 के सकल तल पर दिए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर पहले स्टेप में ये लिखना है कि कौन सा खाता उधार बाकी होता है, कौन से खाते का जमा बाकी होता है, पहले आपको वो लिखना है, वो डिसाइड कर लेना है। अगर वो पता चल गया बच्चों तो आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथ साथ में मेरे लिखते रहना बच्चों, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते बच्चों, एक एक चीज़ों को मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। कौन सा खाता कहाँ जाएगा पहले उसे भी अच्छे से लिख लो बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों पहला है लव की पूंजी। बच्चों पूंजी की हमेशा जमा बाकी होती है, तो यहाँ लिख देंगे हम पूंजी, क्या लिख देंगे पूंजी। और उधार का हमेशा उधार बाकी होता है, आहरण हमेशा उधार बाकी होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर आहरण। चलिए दूसरे में कुश की पूंजी, तो पूंजी हमेशा बच्चों कौन सा होता है जमा बाकी, यानी यहाँ पर लिख देंगे हम पूंजी, क्या लिखेंगे पूंजी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आहरण, लिख दिया बच्चों। अब देखो लव का जमा बाकी है तो जमा में लिखेंगे शेष आगे लाए, कहाँ पर लिखेंगे चालू खाता की जमा साइड में, इसको कहाँ लिखेंगे बच्चों चालू खाता के जमा पक्ष में लिखेंगे, चालू खाता के जमा में लिखेंगे। कुछ उधार हैं तो हम कहाँ लिखेंगे चालू के उधार में लिखेंगे, क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा है लाभ हानि खाता, बच्चों लाभ हानि खाते का जमा बाकी दिया है ना, जब भी कभी बच्चों लाभ हानि खाते का जमा बाकी लिखा है मतलब समझ जाना बच्चों वो शुद्ध लाभ है, क्या है शुद्ध लाभ। और बच्चों शुद्ध लाभ कहाँ लिखा जाता है लाभ हानि वितरण खाते में लिखा जाता है, कहाँ पर लाभ हानि वितरण खाता की किसा लिखेंगे बच्चों जमा साइड में लिखेंगे। बड़ा ये शुद्ध लाभ कहाँ लिखोगे लाभ हानि खाते के वितरण, लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में आपको लिखना है शुद्ध लाभ, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बच्चों क्या लिखा है स्टॉक, तारीख दिया 1/1/3/2017, तो बच्चों क्या लिखा है 1/3 मतलब अंतिम स्टॉक है, अंतिम स्टॉक बच्चों ये कहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना में, कहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना में लिखेंगे बच्चों, क्लियर। पूर्वदत्त, पूर्वदत्त मतलब क्या होता है बच्चों अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, बच्चों अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कहाँ लिखेंगे तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना में, कहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना में, क्लियर। आगे मकान क्या है बच्चों संपत्ति, तो कहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना में। देनदार और लेनदार, बच्चों देनदार जो होता है देनदार की हमेशा उधार बाकी होती है और लेनदार की हमेशा जमा बाकी, तो उधार में लिखा है 80,000 तो ये हो जाएगा देनदार, और देनदार हमारी क्या होती है बच्चों संपत्ति, कहाँ लिखेंगे सले संपत्ति लेना में। और बच्चों लेनदार, लेनदार क्या होता है जमा, और बच्चों लेनदार कहाँ लिखते हैं हमारा क्या है दायित्व है, लेनदार क्या है बच्चों हमारी दायित्व है, तो दायित्व पक्ष में लिखेंगे, क्लियर। चलिए आगे बच्चों रोकड़ और बैंक बाकी, बच्चों रोकड़ जो होता है बड़ा वो उधार बाकी में लिखा है तो वो बन जाएगा रोकड़ शेष, क्या बन जाएगा रोकड़ शेष। और ये कहाँ लिखेंगे सले मतलब संपत्ति लेना लिखेंगे क्योंकि हमारी संपत्ति है। और दूसरा जमा में लिखा है बैंक मतलब इसका मतलब होता है BOD मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है बच्चों हमारी दायित्व होता है, कहाँ लिखेंगे दायित्व पक्ष में लिखेंगे। चलिए देनी हुंडी, बच्चों देनी हुंडी क्या होता है हमारा देनी हुंडी हमारी दायित्व होती है, देनी हुंडी दायित्व होती है, कहाँ लिखेंगे बच्चों दायित्व पक्ष में लिखेंगे, पूंजी दायित्व में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे पूंजी दायित्व में लिखेंगे। चलिए गिरवी लोन, बच्चों ये भी क्या होता है हमारा दायित्व है तो पूंजी दायित्व में लिखेंगे बच्चों। ख्याति क्या है बच्चों हमारी संपत्ति है तो कहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना में। अदत्त मजदूरी, बच्चों ये क्या है अदत्त मजदूरी मतलब, अदत्त मजदूरी मतलब क्या होता है अदत्त मतलब होता है चुकाना बाकी, बच्चों ये क्या है हमारा दायित्व है पैसा चुकाना बाकी है, ये क्या है दायित्व, कहाँ लिखेंगे पूंजी दायित्व में लिखेंगे। अप्राप्त भाड़ा, अप्राप्त भाड़ा मतलब क्या होता है बच्चों अग्रिम प्राप्त भाड़ा, अग्रिम प्राप्त भाड़ा इसका मतलब क्या होता है बच्चों ये क्या है हमारी संपत्ति है पैसा लेना बाकी है, ठीक है एडवांस मिल गया इसलिए हमारी क्या है संपत्ति, कहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना में लिखेंगे बच्चों।
पेशगी प्राप्त कमीशन। बच्चों पेशगी प्राप्त मतलब क्या होता है, अग्रिम प्राप्त कमीशन, एडवांस में मिल गया बच्चों हमारी इनकम है, तो क्या लिखेंगे पूंजी दायित्व में, कहाँ लिखेंगे पूंजी दायित्व में। बच्चों डूबत ऋण अनामत, अब बच्चों डूबत ऋण अनामत हम तो लाभ हानि खाता तो नहीं बना रहे, क्योंकि लाभ हानि खाता पहले से दिया हुआ है। बच्चों याद रखना बच्चों, ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों। जब भी सवाल के अंदर, यहाँ पर सुनो बच्चों, जब सकल तलपट और समायोजन में ना दिया गया हो, क्या तब बच्चों सकल तलपट में ना हो, तो बड़ा सकल तलपट में दिया गया हो डूबत ऋण अनामत, तो आपको बच्चों हमेशा क्या करने का, देनदार में से माइनस करना पड़ेगा। यानी नहीं समझे, समझाता हूँ बच्चों, आप लाभ हानि खाता नहीं बना रहे, क्योंकि लाभ हानि खाता के फॉर्मेट के अंदर हम लोग लिखते हैं बड़ा वो डूबत ऋण वाला, लेकिन इस चैप्टर में इस वाले क्वेश्चन में बच्चों लाभ हानि खाता तो हम बना ही नहीं रहे। तो जब लाभ हानि खाता नहीं बनाना पड़ेगा, उस समय अगर डूबत ऋण सकल तलपट में दिया गया होगा, तो आपको बड़ा क्या करना होगा, देनदार में से क्या करने का, माइनस करने का, देनदार में से क्या करने का, माइनस कर देने का। ये देनदार कहाँ पे लिखा जाता है बच्चों, संपत्ति लेना में। लेकिन ऐसा सब में नहीं करना बच्चों, ऐसा कब करना है बच्चों, जब डूबत ऋण अनामत सकल तलपट में दिया गया हो परंतु समायोजन में नहीं दिया गया हो, और लाभ हानि खाता नहीं बनाया गया हो, तो उस समय आपको क्या करना होगा, ये डूबत ऋण अनामत को देनदार में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और ये देनदार कहाँ लिखा जाता है बच्चों, संपत्ति लेना में लिखा जाता है। तो देनदार में से हम क्या करेंगे, डूबत ऋण अनामत को माइनस कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बच्चों पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होता है बच्चों, हमारी संपत्ति, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में, लेना में। बच्चों फर्नीचर, फर्नीचर क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति है, तो कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। क्लियर हो गया। चलो बड़ा ये हमारा पहला स्टेप्स क्लियर हो गया। अब बच्चों पहला स्टेप क्लियर हो जाने के बाद अब हम शुरुआत करेंगे स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में क्या करना होता है बच्चों, समायोजन को टिक करना होता है। क्या करना होता है, समायोजन को टिक करना होता है। तो समायोजन को कैसे टिक करेंगे बच्चों, ध्यान से सीखो। चलिए बच्चों अब एक एक करके टिक करते, क्या है बोला पूंजी और आहरण, तो पूंजी और आहरण पे हम क्या करेंगे बच्चों, टिक करेंगे। तो चलिए पूंजी और आहरण पे हम टिक करते बच्चों, तो बड़ा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए कि जिस पे मैं कलर कर रहा हूँ समझ जाना उसके ऊपर क्या है बच्चों, ये वाला कलर कर रहा हूँ समझ जाना बच्चों, उसके ऊपर समायोजन है, और समायोजन की कितनी असर होगी, दो, और उसकी रकम कहाँ लिखेंगे, अंदर के कॉलम में लिखेंगे, बस इतना याद रखना बच्चों। चलिए फिर चालू खाते का प्रारंभिक बाकी, यानी कि लौ और कुश पे भी क्या है बच्चों, समायोजन है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, कुश का मासिक वेतन देना बाकी है, ये तो इसी के अंदर ही टिक होगा बच्चों, ये तो इसी के अंदर ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, फिर उसके बाद और कुछ दिया है, नहीं, फिर उसके बाद ये भी क्या करना होगा, इसी के अंदर ही टिक करना होगा। चलिए बस सारा चीज़ बेटा मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया, समायोजन भी टिक हो गया। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर थ्री, एक एक करके सारी एंट्री को बच्चों क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। और बच्चों बहुत ही इजी है, एकदम डिटेल वाइज समझाऊंगा आपको, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं करवा रहा हूँ बच्चों ऐसे ही आपको करना है बच्चों, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए देखो पहला क्या लिखा है, लौ की पूंजी और आहरण, और कुश की पूंजी और आहरण। तो पहले बच्चों देखो, पहले पूंजी की एंट्री करते हैं, और ये बच्चों पूंजी, और बच्चों आपने बड़ा साझेदार का पूंजी खाता नहीं बनाया, तो पूंजी की एंट्री कहाँ करना होगा, तो जब बच्चों जब सवाल के अंदर चालू और पूंजी दोनों दिया गया हो, तब आपको सिर्फ और सिर्फ चालू बनाना होगा। लेकिन पूंजी की एंट्री कहाँ पर करोगे, तब बच्चों आपको पूंजी की सीधा एंट्री कहाँ पर करना होगा, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों पूंजी खाता, क्या करेंगे पूंजी खाता, और लौ और कुश, लौ का बेटा कितना है बच्चों, जमा बाजी देखो पूंजी लिखा है ना, लौ का कितना लिखा है 1,20,000, और दूसरा कुश का कितना दिया बच्चों पूंजी देखो जमा बाजू 80,000, तो ये लिखेंगे 1,20,000, और यहाँ पर लिखा है 80,000,
क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो पूंजी पे क्या है बच्चों, समायोजन है ना, तो पूंजी पे समायोजन है तो बच्चों इसका समायोजन निकालना पड़ेगा। क्या दिया है, 6% ब्याज निकालना है। तो चलिए बच्चों 6% ब्याज कैसे निकालेंगे, ध्यान से सीखो बच्चों। चलिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से सीखो। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें यहाँ पर लव लव पे बड़ा कितना है, 120,000 है। 120,000 पे बच्चों 6% करो, 120,000 का 6% करो, 6% करो बच्चों, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 120,000 गुणे 6% करो कितना आएगा, 7200। और दूसरा कुछ का कितना है बच्चों, 80,000, तो 80,000 का 6% करो बच्चों कितना आएगा, 4800। और पूंजी पर ब्याज कहाँ लिखेंगे बच्चों, ब्याज आपको लिखना पड़ेगा चालू खाते की जमा पक्ष में लिखना पड़ेगा, ये जमा है और ये क्या है, उधार है। तो कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज बच्चों, लव का कितना था 7200 और कुछ का कितना था 4800। ये पहली एंट्री हो गई बच्चों, पहली एंट्री हो गई। तो बच्चों इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, जमा बाजू लिखा है तो लाभ हानि वितरण खाते के उधार साइड जाएंगे बच्चों, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाभ हानि वितरण खाते के बच्चों उधार साइड लिखेंगे। लव का कितना है बच्चों, लव का है 7200 और कुछ का है बच्चों 4800, ठीक है। और दोनों को बच्चों प्लस करेंगे कितना आएगा, 12,000 आएगा, क्लियर हो गया। तो ये देखो बच्चों मैंने एंट्री कर दी, दो एंट्री होगी बच्चों। पहली एंट्री बड़ा यहाँ पर आएगा चालू खाता के जमा पक्ष में, और दूसरी एंट्री साझेदार के वितरण खाते के उधार साइड में लिखेंगे, 7200 और 4800, क्लियर हो गया बच्चों। आई होप ये पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं दूसरा क्या है, आहरण। आहरण की बाकी हमेशा क्या होती है, उधार बाकी होती है, दोनों लिखा हुआ है। तो आहरण लिखेंगे कहाँ बच्चों, तो आहरण लिखेंगे चालू खाते के उधार साइड, तो यहाँ लिखेंगे आहरण कितना है बच्चों, 40,000 और 12,000। लव के खाने में लिखेंगे 40,000 और इसके खाने में लिखेंगे 12,000। इसके ऊपर समायोजन बच्चों कितना है, 10%। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे इसी के अंदर आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, तो 40,000 का 10% करोगे बच्चों कितना आएगा, जल्दी बताओ, तो 4,000 आएगा। और 12,000 गुणे 10% करो बच्चों कितना आएगा, 1200 आएगा। इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी बच्चों, लाभ हानि वितरण खाते के उधार साइड में लिखेंगे बच्चों, सॉरी उधार है ना, ये उधार में लिखा है तो लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में जाएगा। क्या लिखेंगे, आहरण पर ब्याज, क्या लिखेंगे, आहरण पर ब्याज कितना है, लव और कुश बड़ा, ये कितना बच्चों, कितना है देख के बताओ जल्दी, तो यहाँ पर कितना है, 4,000 और 1200, तो यहाँ लिखेंगे हम 4,000 और 1200, तो दोनों का टोटल कितना होगा बच्चों, 5200 होगा, ठीक है। आइयो बच्चों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करता हूँ बच्चों, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखो, चालू खाता। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान ध्यान से सीखना बच्चों। चालू खाता, लव कौन सी बाकी दिया बच्चों, जमा, तो कहाँ लिखेंगे, चालू खाता के जमा साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष आगे लाइन, शेष आगे लाइन, लव बच्चों लव है तो लव के खाने में लिखेंगे कितना, 80,000 रुपया, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्या है बच्चों, कुछ क्या है बड़ा, उधार साइड में है, चलिए उधार साइड में कितना लिखेंगे बच्चों, 8,000 लिख दिया बेटा, चलिए और कुछ का कितना बच्चों, 12,000, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे लाए, एक लागे लाए, तो बड़ा क्या है, कुछ नाम है कितना है बच्चों, 12,000, तो यहाँ पर लिख दो 12,000, और लव में कितना लिखा था, 8,000, क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो इसके ऊपर समायोजन, हाँ कलर किया मतलब कि समायोजन है, तो समायोजन देखो यहाँ पर लिखा है चालू खाता की प्रारंभिक बाकी कितने बच्चों, कितने परसेंट, 10% ब्याज निकालना है। तो चलो बच्चों, तो लव का 10% करो, 8,000 का 10% करो बच्चों, चालू खाते पर ब्याज, चालू खाता पर ब्याज,
8000 का 10% कितना होगा बच्चों, 800 होगा। और बच्चों इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर जमा है तो उधार में आएगा, लाभ हानि वितरण खाते के उधार में जाएगा बच्चों। वहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, कुछ का क्या लिखेंगे, ब्याज चालू खाते का ब्याज कितना है बच्चों, जल्दी बताओ मुझे कितना है, जल्दी बताओ बच्चों कितना है, 800 रुपया है। लो कितना है, 800, तो यहाँ लिख देंगे हम 800। अब उसी तरीके से बच्चों निकालो कुछ का कितना है, 12000 है तो 12000 का 10% करूँ, चालू खाते का ब्याज तो कितना आएगा बच्चों, 1200 आएगा। तो बड़ा यहाँ उधार में तो दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे हम, जमा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चालू खाते पे ब्याज, चालू खाते का ब्याज कौन था बड़ा, कुछ कितना है बच्चों, 1200 है। चलिए दो दो एंट्री हो गई, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। एक एक जिसके भी समायोजन उसके कितनी असर होंगी बच्चों, दो दो असर होंगी। आई होप कॉन्सेप्ट समझते जाना बच्चों, कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, लाभ हानि खाता। बच्चों लाभ हानि का कौन सी बाकी दिया, जमा बाकी, मतलब ये क्या बन जाएगा, शुद्ध लाभ। और बच्चों शुद्ध लाभ कहाँ लिखा है, जमा में लिखा है, तो इसकी एंट्री कहाँ लिखेंगे, लाभ, आपने लाभ हानि खाता तो नहीं बनाया तो बच्चों कहाँ लिखेंगे फिर, लाभ हानि खाता नहीं बनाया तो बच्चों इसको लिखना पड़ेगा लाभ हानि वितरण खाते के जमा साइड में, क्योंकि जमा लिखा है इसलिए जमा साइड में लिखेंगे शुद्ध लाभ। लाभ हानि वितरण खाते के जमा साइड में लिख देंगे शुद्ध लाभ, कितना दिया है बच्चों, 80000 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 80000। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टॉक, तारीख दिया 31/3/2017, मतलब अंतिम स्टॉक कहाँ लिखेंगे बच्चों, हमारी संपत्ति है इसलिए एक ही एंट्री होगी, कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना पक्ष में, क्या लिखेंगे, अंतिम स्टॉक, तो यहाँ लिख देते हैं अंतिम स्टॉक, कितना दिया है बच्चों, अंतिम स्टॉक 72000। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, मतलब क्या होगा, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हम पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम कितना है बच्चों, बीमा प्रीमियम कितना है, 3200 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3200। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, मकान, मकान क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में, तो यहाँ लिखेंगे मकान, मकान बच्चों कितना दिया है, मकान कितना लिखा है देखो जल्दी, 160000 है, तो यहाँ लिखेंगे 160000, ठीक है, 160000, ठीक है। अब आते बच्चों देनदार, देनदार और लेनदार, तो देनदार कौन सी बाकी होती है, उधार बाकी, और लेनदार का जमा बाकी, तो लेनदार क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति है, तो यहाँ पर लिखेंगे देनदार, देनदार बच्चों कितना है, बच्चों देनदार कितना है, 80000 है, तो यहाँ लिखेंगे 80000। और दूसरा क्या है, लेनदार, लेनदार क्या है, हमारी दायित्व है बच्चों, कितना लिखेंगे, 28000, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, रोकड़ और बैंक बाकी, रोकड़ मतलब उधार बाकी, मतलब क्या होगा, रोकड़ शेष हमारी क्या होती है, संपत्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ शेष, बच्चों कितना दिया है रोकड़ शेष, देख के बताओ कितना दिया है रोकड़ शेष, 4800, कितना दिया है, 4800। और जमा में क्या लिखा है बच्चों, जमा मतलब बैंक, बैंक मतलब क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होती है, हमारी दायित्व होती है, तो यहाँ लिखेंगे हम BOD, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना है बच्चों, यहाँ पर कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट, 20000 है बेटा, कितना है, 20000 है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, देनी हुंडी, देनी हुंडी क्या है बच्चों, जमा बाकी, मतलब हमारी देनी हुंडी क्या है, दायित्व है, तो दायित्व में लिखेंगे देनी हुंडी, देनी हुंडी कितना दिया है बच्चों, देख के बताओ जल्दी, 14000, ठीक है, कितना दिया है, 14000।
नेक्स्ट क्या है, गिरवी लोन। बच्चों लोन क्या है, हमारी दायित्व होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिरवी लोन। गिरवी लोन कितना दिया बच्चों, 1 लाख दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख गिरवी लोन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ख्याति। ख्याति क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति है। कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में, तो लिखेंगे ख्याति। क्या लिखेंगे, ख्याति। ठीक है, ख्याति कितना दिया है ध्यान से बताओ, ख्याति कितना दिया है 40,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 40,000। आप लोग बड़ा किताब निकाल कर बैठना और एक एक एंट्री को समझते चलना, कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है। क्लियर। अब बात करें बच्चों अदत मजदूरी। बच्चों अदत मजदूरी क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुखो, अदत मजदूरी मतलब क्या होता है, चुकाना बाकी। चुकाना बाकी मतलब हमारा दायित्व बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे अदत मजदूरी। क्या बच्चों, मजदूरी। अजत मजदूरी कितना दिया बच्चों, देख बताओ जल्दी, 2800। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, अप्राप्त भाड़ा। अब तो बात, अप्राप्त भाड़ा मतलब कि मिलने ही बाकी भाड़ा, और मिलनी बाकी क्या होता है बच्चों, हमारी संपत्ति होती है। संपत्ति में लेकर लिखेंगे मिलनी बाकी भाड़ा, यानी अप्राप्त भाड़ा मतलब मिलनी बाकी भाड़ा। कितना दिया है बच्चों, 1600 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, पेशगी प्राप्त कमीशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अग्रिम प्राप्त कमीशन। ये हमारी क्या होती है, इनकम होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों पेशगी प्राप्त कमीशन। कितना दिया है बच्चों, पेशगी प्राप्त कमीशन कितना दिया है, 800 दिया है बच्चों। एक इसीलिए बोलता हूँ ना, दो दो में बड़ा, पेशगी का मतलब होता है, यहाँ पर अग्रिम प्राप्त है, इसका मतलब हमारी इनकम होती है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आते हैं डूबत ऋण। बच्चों डूबत ऋण जब भी कभी सकल तलपट में दिया गया हो और लाभ हानि खाता ना बनाया गया हो, तो उस समय बड़ा आपको क्या करना होगा, देनदार में से क्या करना होगा, संपत्ति को माइनस करना होगा। तो देनदार में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डूबत ऋण। क्या करेंगे, डूबत ऋण कितना माइनस करेंगे बच्चों, देख के बताओ जल्दी, 8,000 है, तो 8,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आएगा बच्चों, 72,000 आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये बच्चों ऐसा कब करने का, अगर समय, अगर लाभानि खाता दिया होता तो आप फॉर्मेट में जाके लिख देते ओल्ड में, लेकिन बच्चों यहाँ पर डूबत अनामत नहीं दिया है, सॉरी लाभानि खाता नहीं बनाने के लिए बोला है, इसीलिए हमको बच्चों देनदार में से माइनस करना पड़ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद पेटेंट्स। पेटेंट क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे पेटेंट्स। क्या लिखेंगे, पेटेंट्स। पेटेंट्स कितना है बच्चों, पेटेंट्स कितना है देख के बताओ जल्दी, पेटेंट्स कितना है बताओ, 12,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 12,000। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति है, तो कहाँ लिखेंगे, फर्नीचर संपत्ति लेना में। कितना लिखेंगे बच्चों, फर्नीचर 24,000। कितना लिखेंगे, 24,000। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर लगभग मैंने सारी की सारी एंट्री कर दी है, कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है आयुक्त, वो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए बोलता हूँ ना बच्चों कि अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हो, अगर मेरी वीडियो से पढ़ना चाहते हो, तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलना और एक एक एंट्री कहाँ, कौन सी एंट्री कहाँ डाल रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ, कैसे डाल रहा हूँ, अगर वो एंट्री अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बड़ा यहाँ पर बच्चों बेसिक क्लास लेकर के बच्चों एक मैं आपको समझाऊंगा कि किसकी कौन सी बाकी होती है। जैसे पूंजी, तो पूंजी की जमा बाकी होती है। आरण, तो आरण की उधार बाकी होती है। ऐसा एक बड़ा एक बेसिक लेक्चर मैं आपको सिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी एंट्री कहाँ पर जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए बेटा आप एक एक करके चेक कर लेते हैं कि समायोजन में कोई एंट्री नहीं रह गई। पूंजी हो गया, आरण हो गया, प्रारंभिक बाकी हो गया। अब यहाँ पर देखो तीसरी एंट्री क्या लिखा है, कुछ का मासिक 1800 वेतन देना बाकी है। बच्चों कुछ का पगार देना बाकी है, तो बच्चों कितना है देखो यहाँ पर ध्यान से देख के बताओ जल्दी मुझे। चलिए तीसरा क्या दिया, कुश को मासिक 1800 रुपया वेतन देना बाकी है। अब बच्चों कुश को 1800 रुपया ना, लेकिन ये तो एक महीने का है बच्चों, हमें हमेशा निकालना पड़ता है मासिक वेतन कितना, पूरे 12 महीने का, पूरे के पूरे 12 महीना। तो बच्चों जब हम यहाँ पर लिखेंगे वेतन,
कहाँ पर लिखेंगे? लाभ हानि खाते के वितरण खाते, लाभ हानि वितरण खाते में लिखेंगे वेतन, क्योंकि कुछ दिया है बेटा पार्टनर का दिया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? वेतन कुछ का। और बेटा यहाँ पर एक महीने का कितना दिया है? 1200 दिया है। पर बच्चों हमें निकालना होता है पूरे के पूरे 12 महीने का वेतन कितना होगा। 12 महीने का कितना होगा बच्चों? 21600। ये 12 महीना क्यों आए बच्चों? ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ का एक महीने का दिया हुआ बेटा वेतन, लेकिन हमें जब भी निकालना होता है वो कंपलसरी आपको कितने महीने का निकालने का? 12 महीने का ही निकालना पड़ता है, क्योंकि एक महीने का वेतन नहीं, हमें पूरे 12 महीने का वेतन कितना बाकी है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर एक महीने का इतना होता है तो 12 महीने का कितना होगा? 21600 होगा। ये हमारी पहली एंट्री। और समायोजन, समायोजन की हमेशा कितनी होती है? दो असर होती है, पहली असर यहाँ पर और दूसरी असर कहाँ होगी? चालू खाते के बच्चों जमा पक्ष में लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे? जमा पक्ष में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पगार यानी वेतन। बच्चों कुछ के खाने में लिखेंगे, कितना लिखेंगे बच्चों? 21600। चलिए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते बच्चों। चलिए बच्चों देखो क्या लिखा है, उपयुक्त समायोजन करने के बाद बढ़ते लाभ पर कुछ को 10% कमीशन देना है। अब बच्चों ये कैसे निकालोगे? तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी सबसे पहले जो लव और कुछ साझेदारी पीढ़ी के लाभ हानि वितरण खाता है बच्चों, इस लाभ हानि वितरण खाते को पहले टोटल मारना होगा, उसके बाद जो टोटल में से जो ज़्यादा आएगा उनमें से जो माइनस करोगे जो रकम निकल के आएगा उसके ऊपर हमें 10% कमीशन देना है। पर कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों जमा साइड का टोटल मारो, जमा साइड का टोटल मारोगे कितना आएगा? 86400, क्योंकि ज़्यादा यही वाला आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 86400, ये ज़्यादा हो रहा है। और 86400 में से बच्चों यहाँ पर दो मिनट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 86400 लिख दिया बच्चों। अब इसमें से ये सभी को माइनस करो, तो बड़ा माइनस देखो कितने करते हैं, 12000 प्लस 800 प्लस 21600 कितना आया? 34400 आया। 34400 में से माइनस करना है 86 माइनस 86400 कितना आया बच्चों? 52000 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52000, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पर? कमीशन लिखना है बच्चों, कमीशन, क्योंकि निकालना कमीशन। तो 52000 आया, तो 52000 का बच्चों हमें कितने परसेंट करना है? 52000 का 10%। तो 52000 का 10% करेंगे बच्चों कितना आएगा? 5200 रुपया आएगा। कितना आएगा? 5200 आएगा। 52000 का 10% करेंगे कितना आएगा? 5200 आएगा। और उसके बाद बच्चों अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सीखो। अब आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, ये 86400 आया, अब उसमें से क्या करना है? अब ये तीनों को माइनस करना है। अब ये तीनों को माइनस कर, देखो 12000 प्लस 800 प्लस 21600 प्लस कितना करेंगे? 5200। कितना है बच्चों? 39600 आया। 39600 में से माइनस करेंगे 86400, कितना आएगा? 46800 आएगा। अब 46800 बड़ा कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम 46800। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ। अब बच्चों इसको क्या करेंगे? लॉ और कुश के अनुपात में क्या करेंगे? बांटेंगे। लॉ और कुश के अनुपात में क्या करेंगे बच्चों? इसको हम बांटेंगे। अब वो कैसे बांटा जाएगा उसे ध्यान से सीख लो, एक बार फिर से समझ लो ध्यान से बच्चों। सबसे पहले इसका टोटल मारोगे, इसका टोटल मारोगे और इसका टोटल मार के बच्चों कितना आएगा माइनस करने, इसको सब माइनस करोगे कितना आएगा? 52000 आएगा। और 52000 का 10% करोगे कितना आएगा? 5200 आएगा। फिर उसके बाद वापस से क्या करने का, इसका टोटल कितना आया? 86400। 86400 में से बच्चों आप ये तीनों को, ये चारों को प्लस करके इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 46800 मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ, और वितरण पात्र लाभ में से बड़ा लौ और कुश को निकालना होगा। अब बच्चों ये कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको पूरा का पूरा टेक्निक सीखना होगा बच्चों, कैसे निकाला जाएगा पूरा ध्यान से सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक दिया होगा, वो ट्रिक क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखो क्या लिखा है, 60% लाभ, यानी कि ये जो हमने निकाला अभी कितना निकाला बच्चों, हमने निकाला 46800 निकाला ना, तो ये 46800 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ डिटेल में क्या लिखा है बेटा। मान लो यहाँ पर क्या दिया है, 46800 दिया है। अब ये 46800 बच्चों जिसमें से 60% क्या बोला है, 60% लाभ, तो बाकी बचा कितना बच्चों, अगर 100 का 60% है, 100% होते हैं उसमें से 60% ये है, तो ये कितना बचेगा, 40% बचेगा। तो 46800 का 60% करोगे बच्चों कितना आएगा, 28000 आएगा, ठीक है। और 46800 का 40% करोगे कितना आएगा, 18720 आएगा। अब बच्चों इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लौ और कुश के अनुपात में बांटना है, लौ और कुश, और इसको भी बांटना है लौ और कुश, ठीक है। ये तो आपका लाभ है और ये आपका शेष है बच्चों, बचा हुआ शेष, तो ये भी क्या होगा, शेष लाभ, ठीक है। अब इसको कौन से अनुपात में बांटना है वो भी समझ लो। तो देखो यहाँ पर सवाल के अंदर आपको अनुपात दिया है, पहला अनुपात दिया है 3:2, और बाकी का बचा हुआ लाभ कितने बच्चों, 2:1, मतलब शेष वाला, ठीक है। पहला दिया है 3:2 और दूसरा दिया 2:1, यानी कि पहले वाले को आपको बांटना है 3:2 में और दूसरे वाले को बांटना है 2:1 में। अब 28000 को बच्चों 3:2 में बांटना है, कैसे बांटना है बच्चों, देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लिख के बता देता हूँ। जैसे 28000 है, ठीक है, और दोनों का टोटल कितना होगा 5, यानी कि 3/5, और दूसरे कितना है 28000 × 2/5। तो बच्चों जब इसको 28000 × 3/5 करोगे कितना आएगा, 16848, और इसका कितना होगा बच्चों, 11232 होगा, ठीक है। अब इसको 18720 को भी 2:1 में बांट दो, 18720 × 2/3, फिर 18720 × 2/3। अब बच्चों देखो 18720 × 2 करके भागे करेंगे 3, तो कितना आएगा बच्चों, आएगा 12448 480, और इसका आएगा बच्चों 6240 आएगा, क्लियर। अब हमें निकालना कैसे होगा बच्चों, ये जो कुश है देखो लौ और लौ, तो लौ और लौ वाले को प्लस कर दो, अब इधर कुश और कुश को प्लस कर दो, तो लौ और लौ को प्लस करोगे कितना आएगा बच्चों, 29328, ये किसका होगा, ये लौ का लाभ होगा। और कुश का कैसा होगा, कुश और कुश को प्लस करो बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर होगा 17472, ये किसका होगा, कुश का लाभ होगा। बस इस तरीके से बच्चों ये पूरा का पूरा सिस्टम से सवाल सॉल्व होगा, लेकिन बच्चों एकदम डिटेल में करोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एक वीडियो को 2 से 3 बार देखना बच्चों, जिससे आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसको बार बार रिपीट करके देखा करो, जिससे आपको पता चले कौन सी एंट्री कब और क्यों और किस लिए करनी पड़ी, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये दोनों एंट्री कहाँ लिखोगे, तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लाभ हानि वितरण खाते में लिखोगे। यहाँ पर लौ का कितना बच्चों, 29328, तो लिखेंगे 29328, और कुश का कितना है, 17472, ठीक है। अब बच्चों इसकी दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, साझेदारी को चालू खाते के इधर उधार है, कहाँ लिखेंगे, जमा साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ, क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ। बच्चों कितना लिखेंगे यहाँ पर जल्दी बताओ, तो वितरण पात्र लिखेंगे लौ में लिखेंगे 29328, और कुश में लिखेंगे बच्चों 17472,
चलिए अब देखो यहाँ पर देखो लगभग लगभग सारी एंट्री मैंने कर दिया, अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पर एक बार बेटा फिर से सारी एंट्री को समझा दे रहा हूँ, फिर अपने को एक एक करके समझाता हूँ। चलिए सबसे पहले बेटा हमने कमीशन वाली 5200 रुपये यहाँ पर लिखा, तो दूसरी एंट्री कहाँ लिखोगे बच्चों, यहाँ पर जमा साइड में कमीशन खाते कुछ के खाने में लिखोगे 5200 रुपया। ठीक है यहाँ तक क्लियर। फिर वितरण पात्र लाभ एक एंट्री यहाँ लिखा, तो दूसरी एंट्री कहाँ लिखा, यहाँ पर लिखा। ठीक है अब हम क्या करेंगे, टोटल मारो बच्चों, टोटल किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर टोटल मार्क बताओ जल्दी कितना आएगा। चलिए तो टोटल मार्क बताओ बच्चों कितना आएगा, तो इसका टोटल आएगा बच्चों 49072। तो इधर भी लिख देंगे बच्चों यहीं पे 49072। अब बच्चों इसमें से ये सभी को माइनस कर दो, माइनस करोगे कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 22672। ठीक है अब बच्चों आगे बात करते हैं आगे, अब इसका टोटल मारो बच्चों कितना आ रहा है, ध्यान से बताओ जल्दी मुझे कितना आ रहा है टोटल। तो यहाँ पर आ रहा है 45328, तो यहाँ लिखेंगे 45328। अब बच्चों इसमें से इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 1328। ठीक है इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, कहाँ लिखेंगे बच्चों, शेष आगे ले गए। तो बच्चों ये दोनों एंट्री कहाँ लिखोगे, आर्थिक चिट्ठा में लिखोगे, कहाँ लिखोगे बच्चों, आर्थिक चिट्ठा में लिखोगे। तो आर्थिक चिट्ठा कहाँ है बच्चों, ये रहा ये रहा, यहाँ पर लिखेंगे चालू खाता। चलिए चालू खाता में लिखते बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे लव और यहाँ लिखेंगे कुश। बच्चों लव का कितना आया, लव का आया है बच्चों 1328 और कुश का कितना है बच्चों 22672। बच्चों दोनों का टोटल मारोगे कितना आएगा, दोनों का टोटल मारने कितना रहा है, 24000 आ रहा है। और इसका भी टोटल मार दो ऐसे ही, इसका टोटल मारो कितना आएगा, 2,00,000 आएगा। ठीक है चलिए अब आपको क्या करना है बच्चों, अब हम आर्थिक चिट्ठे का टोटल मारेंगे। अब इसका सारा टोटल मारो, सारा टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा जल्दी मार के बताओ, इसका टोटल मारने पे कितना आ रहा है, 3,89,600। और इसका भी वही आएगा 3,89,600। तो यही क्या होगा बच्चों, अगर दोनों का उत्तर समान आ जाए तो समझ जाना हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। और बच्चों याद रखना समायोजन की कितनी असर होती है, 2 असर। और बच्चों एक एक एंट्री चेक करना, अगर कोई भी समायोजन करते हो तो याद रखना उसकी 2 ही एंट्री होगी, और एक एक करके चेक करना एक एंट्री कहां पर जा रही है, दूसरी एंट्री कहां पर जा रही है। सब चीज़ें डिटेल में समझाया हूं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।